स्वागत है, मैं हूं रोहित सावल। और बिल्कुल अभी हम बात करेंगे कि किस तरह से देश भर में कोरोना अपना कहर बरपा रहा है, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की कि उत्तर प्रदेश में किस तरह के हालात हैं। यूपी में कोरोना ने को ऐसा लगता है कि मौत का जाल फैला दिया है। अब तक उत्तर प्रदेश में 850 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। आज कुल 64 नए केस सामने आए हैं, जिनमें से 44 मरकज के केस हैं, जिसके बाद योगी सरकार ने फैसला किया है कि वो मरकज पर शिकंजा कसेंगे। जी हां, उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो ताजा आंकड़ा आ रहा है वो 900 के पार हो चुका है। कोरोना संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो 900 के पार है। और हमारे साथ इस वक्त अरविंद चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं, हमारे रेजिडेंट एडिटर लखनऊ से। अरविंद, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की आज दो अहम बातें हैं। एक तो लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी कोर टीम के साथ आज बैठक की, और उस बैठक में तबलीगी जमात के जो लोग हैं उनके लिए कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री ने? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि अभी तक लगातार बार बार ऐलान किए जाने के बाद भी अगर तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग छिपे हुए हैं, लगातार भाग रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती की जाएगी, और ऐसे लोगों को जो लोग पनाह दे रहे हैं उनके खिलाफ भी सख्ती की जाएगी। ये मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि आज जो लखनऊ, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है, वहां पे जो केसेस मिले हैं वो भी बड़े चौंकाने वाले हैं। 53 में से 44 लोग ऐसे मिले हैं जो कि तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। इतना हॉटस्पॉट चिन्हित किए जाने के बाद, इतना ऐलान किए जाने के बाद भी लोग लगातार मिल रहे हैं, उनके नंबर्स बढ़ रहे हैं, तो सरकार को ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग इनकी मदद कर रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं कोरोना को बढ़ाने में बड़ा एक टूल साबित हो रहे हैं। ऐसे में सरकार ने ये निर्णय ले लिया है, और डीजीपी को स्पष्ट रूप से ये निर्देश दे दिया गया है कि ऐसे लोग जिनके घर पे ये छिपे हुए पाए जाएं, या जिस मस्जिद में पाए जाएं, जिस जगह पे पाए जाएं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। बिल्कुल। और अरविंद, जौनपुर में तो डीएम ने 5100 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया है कि जो तबलीगी जमातियों की सूचना देगा उसको ये इनाम भी दिया जाएगा। यानी शासन और प्रशासन तबलीगियों को लेकर बहुत ज्यादा मुस्तैद दिख रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो आंकड़े हैं, और अगर हम 900 के पार आंकड़ों की बात कर रहे हैं, तो उसमें ज्यादातर तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग हैं। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ रोहित जी, कि अगर तबलीगी जमात के नंबर यहाँ नहीं आए होते, लोग नहीं आए होते, तो शायद उत्तर प्रदेश कोरोना से जो इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा है इससे निकल चुका होता। क्योंकि अगर आप पहले फेज में देखें, जिस समय तबलीगी जमात के लोग यहाँ नहीं थे, तब तक यहाँ पर नंबर 9 के बराबर था। जैसे ही तबलीगी जमात के लोग आके छिपना शुरू कर दिए अलग अलग जगहों पे, उससे यहाँ के नंबर बहुत तेजी के साथ बढ़े, और लगातार सरकार के अपील करने के बाद भी लोग नहीं सुधरे, और लगातार नंबर अभी भी बढ़ने जारी हैं, और शायद यही कारण है कि जौनपुर के डीएम ने इस तरह का कदम उठाया है। बिल्कुल अरविंद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार उत्तर प्रदेश में जो मरीजों का आंकड़ा है वो बढ़ रहा है, और ज्यादातर वो लोग हैं जो तबलीगी जमात से यानी मरकज से आए हुए लोग ज्यादातर हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ने कड़े दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं प्रशासन को। देश में कोरोना पांव पसार रहा है, अब तक 14,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, इनमें करीब 4,000 मामले जमात से जुड़े हैं। मतलब देश में कोरोना के जो मामले हैं उनमें एक तिहाई मामले जमात से जुड़े हैं, यानी इस जमात को देश में कोरोना फैलाने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार कहा जा सकता है। दिल्ली से देखिए हमारे संवाददाता रजत राकेश टंडन की रिपोर्ट। एक तरफ तो कोरोना से लड़ रहा था, लेकिन आप जान के हैरत में पड़ जाएंगे कि आखिर तबलीगी जमात और मरकज में रह रहे लोगों ने भारत को कितना नुकसान पहुंचाया है। इस वक्त जो टोटल फिगर्स है कोरोना की, उसमें 4,300 वो लोग पीड़ित हैं जो मरकज में थे, और जो लोग तबलीगी जमात के देश में कोने कोने तक गए थे। तबलीगी जमात और उनसे फैला इंफेक्शन से अगर काउंट किया जाए तो 4,300 लोग देश में ऐसे हैं जिनको कोरोना तबलीगी की वजह से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में मिला है। देश के ऐसे 19 राज्य हैं जहां तबलीगी समाज की वजह से कोरोना वायरस पहुंचा है, या फिर वहां कम था, जो बढ़ी हुई फिगर्स है वो तबलीगी समाज की वजह से। आसाम और कुछ ऐसे राज्य हैं जहां 90% केसेस तबलीगी समाज के द्वारा हुए। तो बिल्कुल रजत ने बताया कि किस तरह से देश भर में ज्यादातर मामले तबलीग से जुड़े हुए हैं जो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो बहरहाल आगे की खबर के लिए मैं बुलाऊंगा अपने सहयोगी आशीष को। आशीष,
बहुत बहुत शुक्रिया रोहित। अगली खबर इंडियन नेवी की। देश में कोरोना वायरस के कहर के बीच इंडियन नेवी के 21 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन सभी को मुंबई के स्थित इंडियन नेवी के INHS अश्विनी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से 20 जवान मुंबई के वेस्टर्न नेवल कमांड स्थित INS आंगरे पर तैनात थे। इनमें से ज्यादातर में संक्रमण के बावजूद कोरोना जैसे लक्षण नहीं दिखे थे। इंडियन नेवी ने कोरोना संक्रमण की बात पहली बार इंडियन नेवी में दूसरी बार आई है। पहला आंकड़ा आया था 7 अप्रैल को और अब आए हैं 20 नए आंकड़े, जबकि इंडियन आर्मी में कोरोना के मामले पहले से भी सामने आ चुके हैं। इससे पहले इंडियन आर्मी में भी 8 जवानों के कोरोना संक्रमित होने की खबर आ चुकी है। वेस्टर्न नेवल कमांड के INS आंगरे एक शिप नहीं है बल्कि एक ऑफशोर डेपो है जहां पर सेलर्स और ऑफिसर्स रहते हैं और वहीं पर पहला केस आया था। और अब हम ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 7 अप्रैल को नेवी में पहला केस आया था जो कि एक सेलर था और बाकी जो आज 20 नए केसेस आए हैं वो इन्हीं सेलर्स के साथ में ही रह रहे थे। INS आंगरे पर नेवी के जवान से संक्रमण की आशंका संपर्क में आने से 20 जवान हुए हैं। और जिस तरह से हमने देखा है कि 7 अप्रैल से लेकर अब तक में कई दिनों का समय हो गया, लेकिन इतना समय लगा एक जवान से 20 जवानों में, सेलर्स में विशेष तौर पर, यह संक्रमण फेंकने में। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वेस्टर्न नेवल कमांड ने निर्णय तब लिया जबकि इस तरह के कोई भी शुरुआती लक्षण कोरोना वायरस के दिख नहीं रहे थे। तो 7 अप्रैल से शुरू होकर आज 18 तारीख के आसपास इतने दिनों में लगभग जिस तरह से INS आंगरे में एक साथ में लोग थे, उन सभी को कोरोना इन्फेक्शन के जरिए टेस्टिंग की जा रही है। INS आंगरे में कोरोना की टेस्टिंग बचे हुए सेलर्स की भी की जा रही है। लगभग 130 लोगों की ऐसी टेस्टिंग हो गई है और जवानों को और विशेष तौर पर जो INS आंगरे में सेलर्स रह रहे थे उन्हें इंडियन नेवी के INHS अश्विनी, जो कि कोलाबा में ही मुंबई के मिलिट्री हॉस्पिटल है, वहां पर भर्ती कराया गया है। अब तक नेवी में अगर हम कुल संख्या देखें 7 अप्रैल से लेकर आज तक में, तो 21 सेलर्स को संक्रमण पॉजिटिव की खबर आई है और लगभग और मुझे बताया गया है कि 55 से 60 और नए टेस्ट होने वाले हैं। मेरे सहयोगी शिवानी ने एक रिपोर्ट भेजी है मुंबई के INS आंगरे के पास से, देखिए ये रिपोर्ट। नेवी से जुड़े ऑफिसर्स को कोरोना वायरस का केस पॉजिटिव निकला है। फिलहाल आप जो लायन गेट देख सकते हैं यहीं पर सीमा रेखा है समुद्र की, जहां पर INS आंगरे काफी समय से यहां पर उपस्थित था। अपने आप में बहुत बड़ी और खतरनाक खबर यह है कि ये नेवी तक पहुंच चुका है जहां पर इतने लंबे दिनों से लॉकडाउन चल रहा है। तो फिलहाल अब इन्वेस्टिगेशन इस तरह से होगी कि आखिर नेवी ऑफिसर्स तक आखिर इतनी टाइट सिक्योरिटी के बाद कोरोना वायरस अंदर दाखिल कैसे हुआ। अगली खबर मेरे सहयोगी रोहित कुनोठा देंगे। रोहित, और इस वक्त हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान आखिरकार क्या छिपाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल कोरोना वायरस के संक्रमण से इस वक्त पूरी दुनिया प्रभावित है। भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान भी इससे अछूता नहीं है। कोरोना के इस संकट काल में पाकिस्तान से हिला देने वाली खबर सामने आई है, जिसमें सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या पाकिस्तान अपने देश में कोरोना से हुई मौत के आंकड़े को छिपा रहा है। पाकिस्तान के अखबार द ट्रिब्यून ने एक बड़ा खुलासा किया है जिसके मुताबिक कराची में पिछले 49 दिनों में 3,265 शव दफनाए गए हैं। ये सभी 3,265 शव कराची के 30 कब्रिस्तानों में दफनाए गए। सवाल यह है कि कराची में इतनी मौत किस वजह से हुई और क्यों पाकिस्तान अपने देश में कोरोना से सिर्फ 143 मौत होने का दावा कर रहा है। पाकिस्तान के आधिकारिक आंकड़े के मुताबिक वहां अब तक कोरोना के 7,481 केसेस सामने आ चुके हैं, लेकिन द ट्रिब्यून के खुलासे के बाद अब पाकिस्तान के ये आंकड़े शक के घेरे में आ गए और सवाल उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान में कोरोना से हजारों जाने गई और पाक कोरोना से मौत के जो असल आंकड़े हैं उनको छिपा रहा है। सवाल यह भी है कि 49 दिनों में कराची में 3,265 मौत आखिरकार किस वजह से हुई, जो लाशें इतनी मिल रही हैं इनका सच क्या है। आपको बता दें कि द ट्रिब्यून के मुताबिक शवों को दफनाए जाने के आंकड़े कराची प्रशासन की ओर से जारी किए गए। इससे पहले पाकिस्तानी मीडिया में इस तरह की खबरें आई थी कि कराची के अस्पतालों में कोरोना से बड़ी तादाद में लोगों की मौत हो रही है।
सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान कराची प्रशासन अपने देश जो है देश के लोगों के साथ धोखा कर रहा है। यह बहुत बड़ा सवाल इस वक्त खड़ा हो रहा है। पाकिस्तान में कराची में 30 कब्रिस्तानों में इतनी बड़ी संख्या में शवों को दफनाया जाता है, जबकि पाकिस्तान का जो मौत का आधिकारिक आंकड़ा है वो 143 ही है। सवाल यह खड़ा हो रहा है कि पाकिस्तान आखिरकार क्या छिपाने की कोशिश इस वक्त कर रहा है। और इस वक्त हम सीआरपीएफ के अस्पताल सीधा चल रहे हैं। हमारे संवाददाता अजय जांडियाल एक रिपोर्ट दे रहे हैं, इस रिपोर्ट को जरा देखते हैं। भर में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जारी है और भारत में भी ऐसा ही चल रहा है, क्योंकि कोरोना को हर कदम पे मात देनी होगी। हम इस समय पहुंचे हैं सीआरपीएफ हेडक्वार्टर, जहां पे आप देखेंगे कि सैनिटाइजेशन का कार्यक्रम चल रहा है। और कार्यक्रम इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको हर लेवल पर कोरोना को मात देनी होगी। जब भी कोरोना वायरस की बात आती है तो साफ होता है कि कोरोना वायरस जो है वो फैलता है एक दूसरे के साथ संपर्क में आने से। आप देखेंगे यहाँ ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को सैनिटाइज किया जा रहा है, क्योंकि सीआरपीएफ की बात करें, सुरक्षा बलों की बात करें, तो यहाँ जो 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 जवान या ऑफिसर होते हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों से आए होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह का संक्रमण का खतरा कहीं भी ना रहे और उसको खत्म किया जा सके, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। अगर यहाँ इस बिल्डिंग में किसी भी तरह का संक्रमण यहाँ होगा तो उस संक्रमण को खत्म करना जो है वो कहीं ना कहीं इनकी प्रायोरिटी है। और इस मशीन के जरिए जो है आपको बता दूं कि इस पूरी बिल्डिंग को स्प्रे किया जाता है। और सिर्फ यही नहीं, आपको बता दूं कि सड़कें, बाहर गलियां, क्वार्टर्स, फैमिली क्वार्टर्स, ऑफिस, यहाँ तक कि हर पेड़ पौधों तक को सैनिटाइज करके इस चीज को एंश्योर किया जाता है कि किसी भी तरीके से यहाँ पर फैला हुआ संक्रमण अगर है तो उसे खत्म किया जा सके। सबसे बड़ी खासियत आपको ये भी बता दूं कि जो कोरोना के खिलाफ जंग जारी है, उस जंग में हर कोई बाखूबी अपने आप को तैयार करके बैठा है। ये जो मशीन आप देख रहे हैं, इस मशीन को खुद इम्प्रोवाइज किया गया है और ये मशीन जो है सीआरपीएफ के ने जो है खुद तैयार की है कोरोना से जो है लड़ने के लिए, क्योंकि इसी मशीन के जरिए बड़े इलाके को अगर आपने सैनिटाइज करना है तो आपको इसी तरह की प्रेशर बिल्ट मशीन चाहिए, जिससे ताकि आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तक जो है इसको स्प्रे करके इस जो सैनिटाइजर है या जो केमिकल्स रहते हैं उसका छिड़काव करके उसको डिसइंफेक्ट कर सके। मेरे साथ एक ऑफिसर है, असिस्टेंट कमांडेंट है सीआरपीएफ के, मुनीश उन्हीं से बात करते हैं। सर, ये जो चल रहा है, मैं देख रहा हूँ इतनी बड़ी बड़ी मशीनों से, सबसे पहले तो ये सुना है कि ये मशीन आपने खुद इसको तैयार किया है, इस काबिल बनाया है कि आप पूरे इलाके की सैनिटाइजेशन कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। ये सीआरपीएफ द्वारा एक्चुअली सभी सीआरपीएफ जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं या ग्रुप के अंदर हैं उसमें ये मशीन अवेलेबल है। एक्चुअली ये सेवर सेक्शन मशीन है और सेवर सेक्शन मशीन में दो नोजल रहते हैं, एक इनलेट और एक आउटलेट। जो आउटलेट पोर्शन है इस मशीन का, उसमें प्रेशर के द्वारा, वो प्रेशर को कंट्रोल करने के गेजेस हैं, उस प्रेशर को कंट्रोल करके या उसको यूज करके हम लोगों ने इसको इस्तेमाल किया मास लेवल पर किसी भी एरिया को सैनिटाइज करने के लिए। मकसद बड़ा साफ है, जैसा मैंने पहले कहा था कि कोविड-19 के खिलाफ जो जंग है उसमें हर किसी को खुद तैयार होना होगा और यही मिसाल सीआरपीएफ ने भी दी है। इन्हीं मशीन, जो यहाँ एग्जिस्टिंग मशीनरी थी उसी को इम्प्रोवाइज करके इस तरह से बनाया गया, क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े सड़कें हैं, बड़े बड़े लॉन्स हैं, उन सभी चीज़ों को अगर आपने सैनिटाइज करना है, डिकन्टेमिनेट करना है, तो उसके लिए आपको इस तरह की मशीनरी की ज़रूरत है और इतने कम समय में ये हो नहीं सकता था। मगर यहाँ सुरक्षा बलों की बात करें तो यही सुरक्षा बल जिन आतंकियों का सफाया करते हैं, हथियारबंद आतंकियों का, ये सुरक्षा बल इस वक्त तैयार हैं उस अपने अदृश्य दुश्मन से लड़ने के लिए और मात जरूर दी जाएगी। आप खुद देखेंगे कि भारत जल्द कोरोना मुक्त होगा और एक बार फिर यहां खुशहाली वापस लौटेगी। अनुज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। तो पाकिस्तान जहां हजारों लाशों का सच छिपा रहा है, पाकिस्तान में डॉक्टर्स के पास ठीक तरीके से मेडिकल किट नहीं है, वहीं हिंदुस्तान को देखें तो बहुत अच्छी तरीके से कोरोना के संकट का हिंदुस्तान सामना कर रहा है। और अब मैं चलूंगा और मेरी जगह यहां पर आएंगे मेरे सहयोगी राकेश, क्योंकि कोरोना का काल है, अच्छी खबरें कम सुनने को होती है, लेकिन राकेश सुनाएंगे अच्छी खबर। बिल्कुल शुक्रिया रोहित। और कोरोना के संक्रमण काल में लगातार जो खबरें सामने आ रही हैं वो खबरें बुरी हो रही हैं। वो खबरें संक्रमण की बढ़ती तादाद को लेकर हैं, वो खबरें लगातार मर रहे लोगों की खबरें हैं, लेकिन इस बीच हम आपको बताएंगे कुछ अच्छी खबरें। अच्छी खबरें इसलिए क्योंकि ये खबरें एहसास दिलाएंगी कि भविष्य में हम बहुत जल्द कोरोना के खिलाफ जंग को जीत सकते हैं। तो पहली अच्छी खबर यह है कि कोरोना का जो ग्रोथ फैक्टर था वो 40% कम हो चुका है पिछले कुछ दिनों में, यानी कोरोना का जो कंफर्म केसेस के बढ़ने की जो तादाद थी वो तादाद थोड़ी सी स्लो हुई है, उसे हमने डिले किया है। 31 मार्च तक 3 दिन में मरीज
दोगुना होते थे, लेकिन अब जो डबलिंग रेट है यानी मरीजों के दोगुना होने की जो रफ्तार है वो घट गई है। अब 6.2 दिन में मरीज अब दोगुना हो रहे हैं। ये तादाद 31 मार्च से पहले और 31 मार्च के बाद एक बड़ा इजाफा, यानी लॉकडाउन सरकार ने सही समय पर लागू किया, उसका सबसे बड़ा नतीजा ये मिला कि कोरोना के संक्रमण केस जो दोगुने होते थे उसकी रफ्तार को हमने करीब आधा घटा दिया। यूपी समेत 19 राज्यों में मरीजों के दोगुना होने की दर राष्ट्रीय औसत से भी कम है, यानी यहां पर बेहतर तरीके से लॉकडाउन का सख्ती से इन नियमों को पालन करवाया। और ये आंकड़े जो जारी किए गए हैं ये केंद्र सरकार द्वारा रोजाना शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये आधिकारिक तौर पर जानकारी उपलब्ध कराई गई है। सबसे बड़ी बात, 45 जिलों में पिछले 14 दिनों से संक्रमण का कोई भी केस सामने नहीं आया। यहां पर पहले संक्रमण के केसेस थे, लेकिन यहां पर लॉकडाउन का और दूसरे जो उपाय हो सकते थे उनका सख्ती से वहां पर पालन करवाया गया। नतीजा ये मिला कि पिछले 14 दिनों में संक्रमण का कोई केस नहीं। कोरोना से मरने वालों की दर की अगर बातचीत करें उनमें अभी सिर्फ 3.3 है, जो दुनिया के बाकी देशों की तुलना में काफी कम है। ना सिर्फ संक्रमण के कुल केस बल्कि मरने वालों की दर भी काफी कम है। यूपी के 5 जिले लगभग कोरोना फ्री होने की स्थिति में हैं। यहां पर पहले संक्रमण की तादाद ठीक ठाक थी, लेकिन यहां पर जिला प्रशासन ने बेहतर तरीके से काम किया। यूपी के 5 जिले लगभग कोरोना फ्री होने की स्थिति में हैं। 2 जिले बरेली और प्रयागराज पूरी तरीके से कोरोना फ्री हो चुके हैं। ये आधिकारिक जानकारी आज उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दी गई है। इसके अलावा पीलीभीत, महाराजगंज, हाथरस और शाहजहांपुर कोरोना फ्री होने की कगार पर हैं। जल्द ही इन्हें कोरोना फ्री घोषित किया भी जा सकता है, लेकिन बरेली और प्रयागराज कोरोना फ्री हो चुके हैं। दुनिया में कोरोना के इलाज के लिए रिसर्च चल रही है, भारत में भी इस बीमारी को लेकर शोध हो रहा है। इस बीच लखनऊ विश्वविद्यालय ने फैसला किया कि यहां छात्रों को कोविड-19 के बारे में पढ़ाया जाएगा, लेकर के पढ़ाई कराई जाएगी। जाहिर है कि जिस तरह से कोरोना को लेकर के पूरे प्रदेश में हलचल है, इन सभी विषयों को लेकर के ये पूरी पढ़ाई होनी है। आपको बता दें कि इसमें आर्थिक, सामाजिक किस तरह का प्रभाव इस पूरी बीमारी को लेकर के भारत देश में पड़ा है, इन सभी विषयों को लेकर के इस नए सत्र से जो बच्चे हैं वो इसकी पढ़ाई करेंगे। आपको बता दें कि बायोकेमिस्ट्री और इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ के तहत इसकी पूरी पढ़ाई होगी। हालांकि इसके पहले भी इस तरह की पढ़ाइयाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी कराती रही है, चाहे कॉलरा की बीमारी रही हो या फिर एचआईवी एड्स की बीमारी रही हो या इस तरह की जो भी बड़ी बीमारियां भारत में संक्रमित हुई हैं जिसकी वजह से भारत को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है, उन सभी की पढ़ाइयां इससे पहले भी होती रही हैं और अब इसे भी इस पूरे विषय में शामिल किया गया है। सैफ के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, लखनऊ। एक अच्छी पहल उत्तर प्रदेश में। मेरी सहयोगी शुभ्रा वो आपको बताएंगी कोरोना वॉरियर्स को लेकर क्या बड़ी खबर उनके पास है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका राकेश। और देखिए ये खबर परेशान करने वाली है। कोरोना से जंग में सबसे मुश्किल होता है उन कोरोना वॉरियर्स का काम जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं ताकि हम और आप सुरक्षित रह सकें। वो स्वास्थ्यकर्मी, वो पुलिस वाले जो फ्रंटलाइन फाइटर्स हैं। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि कुछ इलाकों से कोरोना वॉरियर्स पर हमले की खबरें लगातार आ रही हैं। इंदौर में बीते 15 दिनों में तीसरी बार कोरोना वॉरियर्स पर हमला हुआ है। सबसे पहले पूरी खबर आप समझिए तस्वीरों के जरिए। यह घटना हुई है इंदौर के पलासिया इलाके में। स्वास्थ्य विभाग की टीम अपना काम करने पहुंची थी, कोरोना को लेकर सर्वे किया जाना था। सर्वे करने वाली जो टीम है उसमें 3 महिलाएं शामिल थी, लेकिन ये टीम जब इंदौर के विनोबा नगर पहुंची तो उनके साथ मारपीट की गई। स्थानीय शख्स ने महिला कर्मियों को धक्का दिया, उनके साथ बदसलूकी की, उनका मोबाइल छीन कर तोड़ दिया। जब उसे रोकने की कोशिश की गई तो आरोपी ने लोगों पर चाकू से हमला किया। अब आप सोचिए कि ऐसे हालातों में आखिर कोरोना वॉरियर्स कैसे अपना काम करेंगे, उन पर क्या बीत रही होगी। और इसी के साथ यहां पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार भी तमाम खबरें हैं।